ईव टीजिंग को लेकर सीपुर में हुए विवाद के दौरान गुड्डू चौरसिया नामक युवक की मौत हो गई। इस मौत के बाद उसकी माँ लगातार उसके लिए इंसाफ मांगती हुई नजर आ रही है। उसकी माँ का आरोप है कि उसके बेटे की साजिश के तहत हत्या की गई है। उसका ना इस ईव टीजिंग के विवाद से कोई संपर्क था और ना ही किसी और विवाद से। इसके बावजूद उसे मोहरा बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। बाद में पुलिस वालों ने इसकी जानकारी दी कि उसकी मौत हो गई है। आइए सुनते हैं क्या कहा गुड्डू की माँ और उसकी वाइफ ने। का घटना सर देखिए, उसका है सास ससुर सब कोई आया था घर में। उसका मौसी आई थी, मौसिया सास सब कोई आया था, ससुर आया था, सब कोई आया था। तो गया था काम में, सुबह में 7:30 बजे निकला काम में। तो फिर उसका बाद हम फोन किए कि बाबू तू कहाँ बड़े शाम को, तो बोले कि हम हिए हैं। तो एक तो लड़का है उसी का पास फोन किए हम, हमने गुड्डू है वहाँ, तो बोले हाँ है। तो वही में गुड्डू को बोले कि बाबू सब कोई आयल बा, तो सास ससुर सब कोई आयल बा, तू घरे आ जा 9 बजे। 9 बजे फोन किए हमने, बाबू तू कहाँ बड़े, तो 9 बजे के बाद 10 बजे तो हम बोले ना कि बाबू तू कहाँ बड़े, तो बोले माँ हम कैरम बोर्ड खेल तनी। तो हम बोले कि तो जल्दी चल आ बाबू, बाबा भी घर में आ गए बरन, तू भी चलो सब कोई खा उ के हम लोग सूतम। तो बोले कि माँ हम आवा तनी। तो मेरा बहू बोली कि मम्मी हगीस लिए हैं बाबू का, तो हम बोली कि हगीस ले ले भरे, तो बोले कि हाँ हम ले भरे पॉकेट में हगीस। तो हमने जल्दी चला, उसका बात तो देख रहे कि सब फौज ढूंढने लगा, सब माँ और फिर दंगा एकदम लगने लगा। तो उसका एक तो दोस्त है उसका पास फोन किए, हम बोले कि गुड्डू कहाँ बाहो, तो बोले कि गुड्डू से तो हमके देखा नहीं के भाई, मेरा लड़का के साथ हुई तो मेरा लड़का कैरम बोर्ड खेल रहा था, तो मेरा लड़का माने कि उस लोग का पास फंस गया, भागने नहीं सका। और वही कटरा में माने कि उसको माने लुकाया, उसको देख लिया, उसको सब कोई मार दिया। রাত্রির বেলা অনেক বার ওনার বন্ধুকে ফোন করা হয়েছে, তো ওনার বন্ধু বলল আমার সাথে নেই, আমি এখানে বসেছিলাম, এখনো আসিনি। তারপরে দেখলাম পুলিশ এসে রাত্রি 2টার সময় এসে নিচে খুঁজছে গুড্ডু চোরাসিয়া করে। আমি নিজের শাশুড়িকে গিয়ে ওই ঘরে গিয়ে ডাকলাম যে মা কি হয়েছে, ডাকছে আপনাকে। তখন পুলিশ বললো বলে আমাদের নিয়ে গেল, মানে যে আপনার ছেলের অবস্থা খারাপ আছে, গিয়ে দেখছি ওখানে ডেথ হয়ে গেছে। তো যারাই মেরেছে তাদেরকেও ওরকম করে মারা উচিত, তাদেরকেও ভাবা উচিত যে কি যেরকম একে মেরেছি সেরকম এর যেমনি কষ্ট হয়েছে, অমনি ওদেরও কষ্ট হওয়া উচিত।